धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के जलाली सामर्थ्य नाम को लेकर स्वामी राजा, आज की इस प्रातःकाल की वेला में आपके पवित्र भवन के अंदर खुदा, जबकि आपने हमें एक सुअवसर दिया कि पवित्रता के साथ शोभायमान होके आपको दंडवत करते हुए रघुनिवास सा आपकी ओर से ऊर्जा, आपकी ओर से अगुवाई और आपकी ओर से गाइडेंस प्राप्त करते हुए खुदा जी, जब प्रभु परमेश्वर चर्च इस कैंपस के बाहर जाते हैं, जो भाई बाहर निकल के आपकी सेवा को अंजाम देते हैं और जो भाई बहन चर्च के भीतर रह के इस कैंपस के अंदर अपनी सेवाओं को देते हैं, प्रभु आपको महिमा देने के लिए होने दे, अपने पवित्र आत्मा को दूने सामर्थ्य से परिपूर्ण करिए खुदा, ताकि प्रभु परमेश्वर हमारा जो उद्देश्य जो आपकी ओर से हमको मिला हुआ है वो उद्देश्य को प्रभु परमेश्वर उस टास्क को उस एम को हम प्रभु परमेश्वर प्राप्त करने के लिए प्रभु परमेश्वर हम आध्यात्मिक रीति से अपने आप को तैयार करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे भाई बहनों को आपने स्वस्थ रखा, प्रभु परमेश्वर उनकी जरूरतों को आपने पूर्ण किया, उनके हर एक निराशाओं में आशा बन के प्रभु जी आपने कार्य किया, उनके दीनहीन देह को महिमा के देह में बदलने के लिए पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू के वसीले से आपने हमें धो के पाकर पवित्र किया कि इस संसार के अंदर प्रभु परमेश्वर हम आपके जीवित नाम की गवाह होने पाए। होने दे खुदा कि प्रभु परमेश्वर हम केवल आप पर भरोसा रखने पाए। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं बेटी जिया के लिए, जबकि आज एक विशेष दिन है, एक नया अध्याय जन्मदिन के द्वारा आपने बेटी के जीवन में जोड़ा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बेटी के जीवन में आपकी आशीष की घोषणा करते हैं, प्रभु आने वाले दिनों में बेटी एक अच्छे मुकाम में पहुंचने पाए। माता पिता का जो आशा अपेक्षा बेटी के संबंध में है, यीशु नासरी के नाम में पूर्ण होने पाए खुदा, क्योंकि प्रभु आपने कहा है तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके हर एक कार्य करना तो तू सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा और मैं तेरे लिए सहज और सीधा मार्ग निकालूंगा। हाँ मेरे मालिक, आपने कठिनाई में भी प्रभु जी, आप मुसीबत में भी प्रभु जी, आप हमारे संग है, हमारी बेटी के संग है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। फिर से एक बार प्रभु सारा आदर सारा गौरव सारा महिमा प्रभु आपके चरणों में अर्पित करते हैं, साथ ही साथ हमारे चर्च संचार समिति के प्रत्येक मेंबर्स को और जितने भी प्रभु परमेश्वर हमारे चर्च के विंग्स हैं पिता, हर एक हमारे कलीसिया के बुजुर्गों को, माता पिताओं को, जवान बेटे बेटियों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, हर एक को और प्रभु परमेश्वर आगामी दिनों की हर एक योजनाओं को जो प्रभु परमेश्वर आप इस कलीसिया के द्वारा इस संसार के अंदर करना चाहते हैं, हर एक उन बातों को निवेदन प्रार्थना विनती को धन्यवाद के साथ आपके चरणों में अर्पित करते हैं, जो हमारे हृदय हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखते हैं। सारा आदर आपको देते नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, जिसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता आज स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हम सभी आदर के साथ अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, आशीष ग्रहण करने के बाद अपने कार्यों में की ओर हम जाएंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत ये सौभाग्यता विशेष करके हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य गणों के साथ, कलीसिया के हमारे स्टाफ के साथ आज से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।